और संहार करने की है योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो अपना लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूं, फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, और उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर लेता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया है, मुझे विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह कहेगा पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर सब देवों के देव जगत के स्वामी सबका मालिक बताकर उसकी उपमा कर रहे हैं, और विष्णु जी ने अपना भेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ या घोर तप करता रहता हूँ, घोर तप करके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है, और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ हैं, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, इससे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद, पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है,
अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या करिए अक्सर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है। बस आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम के जाप से। ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्मलोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि उस कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कल आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है।
गीता ज्ञान दाता कह रहा है। गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, परम शांति इस जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं, बाही बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहां झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार हैं भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी में आता है कि निष्कर्मे निष्कर्मे जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी, और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है, तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है, ओम तत् सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम, सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर 3 मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का सिमरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्म लोक में रहता है, और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं, और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए थे, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ये ज्ञान, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ऋषियों के ज्ञान, ये देखिए, अब वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये है 6ठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, व्यास जी से पूछ रहे हैं, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुल लगी, वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे,